तो गाइस भारत में लॉन्च होने वाला है मोटोरोला का मोटो ई 7 प्लस। जी हाँ, लॉन्च होने वाला है। अब मोटोरोला ने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल में साफ साफ एक टीजर, एक पोस्टर डाला है और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यार ये अपकमिंग एक उनका स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है भारत में, जो कि आप साफ से ज़्यादा देख सकते हो स्क्रीन पे। अब गाइज ये तो पता है नहीं कि ये मोटो ई 7 प्लस ही है कि कोई और मोबाइल है, पर सोर्स के मुताबिक ये मोटो ई 7 प्लस ही होगा, क्योंकि देखिए मोटो ई 7 प्लस जो है ब्राज़ील में लॉन्च हो चुका है, तो शायद अब मोटोरोला जो है मोटो ई 7 प्लस को भारत में लॉन्च करेगी। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर ये मोटो ई 7 प्लस होगा तो इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे और क्या होगी इसकी प्राइस अगर ये भारत में होता है लॉन्च। तो चलो यार फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले बात करूं फोन की डिस्प्ले की, तो फोन की डिस्प्ले जो होगी वो 6.5 इंच की HD डिस्प्ले होगी। गाइस बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जो होगा इसमें वो होगा 1.8 GHz का स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर। अगर बात करूं मैं रैम और स्टोरेज की, तो रैम होगी इसमें 4GB की और जो स्टोरेज होगा वो 64GB का होगा और आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हो मेमोरी कार्ड के थ्रू। अगर बात करूं गाइस मैं कैमरे की, तो यार कैमरा जो होगा इसमें फोटो में देखने पे ही लग रहा है कि कैमरा जो है ड्यूअल कैमरा है, तो जो कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का होगा और जो फ्रंट कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल का होगा। बात करें गाइस अपर्चर की, तो रियर कैमरे में f1.7 का अपर्चर दिया गया है और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरे में f2.2 का अपर्चर इसमें दिया गया है। अगर बात करूं गाइस मैं बैटरी की, तो बैटरी इसमें होने वाली है 5000 mAh की, जो कि होगी 10W के फास्ट चार्जर के साथ। और गाइज बात करूं मैं इसके साथ कनेक्टिविटी की, तो आपको 4G वाईफाई और ब्लूटूथ जितनी भी कनेक्टिविटी आपको सब मिल जाएगी और 3.5 mm का जैक भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करूं गाइज मैं इसमें सिक्योरिटी की, तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो पीछे की तरफ यानी कि रियर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब बात करें प्राइस की, तो प्राइस अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुई क्या होगा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कुछ भी अपनी तरफ से प्राइस वगैरह कुछ नहीं बताया है, पर स्पेसिफिकेशंस देखकर लग रहा है गाइस कि यार एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा और शायद इसकी प्राइस होगी वो 12,000-13,000 तक हो सकती है। तो गाइस अगर ये 11,000-12,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होता है तब तो ये मोबाइल सही रहेगा, पर अगर ये होता है यार 15,000 तक, तो शायद हमें इससे भी बेटर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइज इसी तरह की लेटेस्ट टेक न्यूज मैं अपने चैनल पे देते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय।